हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल हियर इज एजी अपग्रेडिंग। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। लास्ट वीडियो इन लास्ट सेक्शन हमने देखा था व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके नीड क्या है, या जो प्रीवियस सिनेरियो था जिसले कि उसके हिस्ट्री के रिगार्डिंगली कि क्यों इन्वेंट हुआ, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट जो सिनेरियो है उसको कंसिडर करके देखा। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप है, दोनों भी इसके अंदर हम कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स हम कवर करने वाले। फर्स्ट दैट इज अ डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड सेकेंड इज अ सर्विस मॉडल। अकॉर्डिंग टू डिप्लॉयमेंट मॉडल उसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड मल्टीपल्स ऑल बी क्लाउड से, जैसे कि कम्युनिटी क्लाउड। बट मेनली यहाँ पे हम तीन ही रेफर करें, जैसे पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। इन अ सर्विस मॉडल के इन सर्विस मॉडल मेनली थ्री कंसिडर करते हैं हम, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देन इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, जस्ट लाइक एवरीथिंग एज अ सर्विस, एक्स एज अ सर्विस, डिफरेंट सर्विस मॉडल्स हम कंसिडर कर सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे तीन ही इम्पोर्टेंट है, तो वही तीन हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, डिप्लॉयमेंट मॉडल का कंसिडर करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल क्या है, जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको समझने की कोशिश करते। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल से। इन डिप्लॉयमेंट मॉडल हमने थ्री क्लाउड देखे थे, फॉर एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पज, फर्स्ट फॉर पब्लिक, सेकेंड प्राइवेट एंड थर्ड हाइब्रिड। सो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दैट इज प्राइवेट कार, पब्लिक बस एंड जो हाइब्रिड टैक्सी। तो सिंपल एग्जाम्पल फॉर ट्रांसपोर्ट कि हमें एक ए प्लेस से बी प्लेस के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है, जाना है, ट्रैवलिंग करना है, तो उस सिनेरियो के लिए हम प्राइवेट फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल यूज करते दैट इज एन पब्लिक क्लाउड, ईच एंड एवरी वन कैन एक्सेसिबल इट। सेकेंड जस्ट लाइक कि हमारे पास खुद की कार है तो या खुद का इंटरप्राइज है, उस सिनेरियो के लिए हम क्या करेंगे, ओन कार। एंड थर्ड दैट इज एन हाइब्रिड, कि इफ हमें प्राइवेट की फैसिलिटी लेनी है प्लस जो पब्लिक होगा उसकी भी फैसिलिटी लेनी है, तो उस सिनेरियो के लिए हम क्या करते हैं, एक कैब बुक कर सकते हैं या टैक्सी, जस्ट लाइक एग्जांपल देख सकते हैं, दैट इज एन हाइब्रिड क्लाउड। तो इसके अकॉर्डिंगली तीनों भी हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो सिंपल फॉर एन अंडरस्टैंडिंग पर्पज, फर्स्ट एग्जांपल याद रखो, देन वन बाय वन तीनों जो क्लाउड है हम इसको और देखने वाले हैं। फर्स्ट दैट इज एन पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है, दिस इज अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल टू अ जनरिक पब्लिक ओवर एन इंटरनेट एंड इज ओन बाय अ क्लाउड प्रोवाइडर। कि जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो हमें क्या करने वाला है, कि सिंपल सर्विस प्रोवाइड करने वाला है फ्रीली या पेड जो भी है, कि इजिली या पब्लिकली बोल सकते हैं, पब्लिकली ऑल ओवर द इंटरनेट हम सभी उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एन स्टोरेज पर्पज, डेटा एक्सेसिंग पर्पज या स्पेसिफिक सर्विस पर्पज भी हम इसको यूज कर सकते हैं एंड पब्लिकली ये क्या होगा, सबके लिए अवेलेबल होने वाले। तो सिंपल इसके लिए एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, फर्स्ट AWS, Amazon वेब सर्विस, Microsoft Azure, IBM ब्लू क्लाउड, Oracle सन क्लाउड और Google ड्राइव। ओके, जो पब्लिकली फ्रीली या पेडली हम सभी के लिए अवेलेबल है, तो दैट इज एन पब्लिक क्लाउड। ओके, सिंपल पब्लिक क्लाउड कंसेप्ट, इजीली अवेलेबल है हम सबको, पब्लिकली ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है, सो दैट इज एन पब्लिक क्लाउड। सेकेंड टाइप इसके अंदर देखते हैं, दैट इज एन प्राइवेट क्लाउड। ओके, प्राइवेट क्यू, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, जस्ट लाइक द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली ऑपरेट बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड पार्टी मे एग्जिस्ट ऑन प्रीमाइसेस और ऑफ प्रीमाइसेस। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखते हैं कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्राइज है, जैसे कि कॉलेज है, कि हम सभी कॉलेज स्कूल्स वगैरह इससे बिलोंग करते हैं, तो उसके रिगार्डिंगली एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एन स्पेसिफिक कॉलेज या स्पेसिफिक इंटरप्राइज, इफ आप वर्किंग में हो गए तो इंटरप्राइज का एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएगा।
उस सिनारियो के लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो भी वेबसाइट हो गया या जितने भी नंबर्स ऑफ सिस्टम्स होंगे, नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स हमारे कॉलेज के अंदर हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स या नंबर्स ऑफ सिस्टम्स पीसीज वगैरह होंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्राइवेट क्लाउड या प्राइवेट सर्वर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होगा. सो दैट इज एन मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मैनेज बाय प्राइवेट क्लाउड और थर्ड पार्टी. इफ हम क्या करेंगे, हमारे सर्वर्स या जो भी हमारा पूरा सिस्टम्स होंगे, कई नंबर्स ऑफ सिस्टम्स हमारे पास है, उसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑन प्रीमाइसेस इन द सेंस हमारे एनवायरमेंट के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही स्पेसिफिक सर्वर या क्लाउड डेटा सेंटर मैनेज कर सकते हैं, या ऑफ प्रीमाइसेस. ऑफ प्रीमाइसेस इन द सेंस स्पेसिफिक जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा उस क्लाउड प्रोवाइडर के साइड में ही जो जो भी क्लाउड डेटा सेंटर्स प्रेजेंट रहेंगे, हमसे स्पेसिफिक जो सर्विस हमें रिक्वायर्ड होगी इन द सेंस डेटा स्टोरेज एक्सेस या सिक्योरिटी जो भी डिफरेंट मैकेनिज्म, तो इस सारी चीजें हम उस वहां से एक्सेस करेंगे, दैट इज एन ऑफ प्रीमाइसेस. ये ऑन प्रीमाइसेस इन द सेंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ प्रीमाइसेस इन द सेंस आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ए थर्ड पार्टी कैन मैनेज और खुद ऑर्गेनाइजेशन भी उसको मैनेज कर सकती है. सो इसके लिए बेसिक एग्जांपल्स क्या है, दैट इज एन अमेजॉन वेब सर्विस एंड वीएम वेयर. सो इस दो कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकते हैं, एक प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड करती है. देन नेक्स्ट इसके अंदर दैट इज एन हाइब्रिड. सो हाइब्रिड क्या प्रोवाइड करता है, ओके, हाइब्रिड प्रोवाइड अ फंक्शनलिटी ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, कि दोनों के अंदर जो एडवांटेज है दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे एंड हाइब्रिड क्लाउड यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. जैसे लाइक कि इजीली ओ एन इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल होंगे हमें, प्लस जो हमारी सिक्योरिटी फीचर्स है, जैसे लाइक प्राइवेट के अंदर जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो सिक्योरिटी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं. कि सिंपल इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे फेडरल एजेंसी फॉर प्राइवेट क्लाउड, वेन अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व ऑल्सो दे कैन पब्लिक क्लाउड टू शेयर अ डेटा सेट एंड जनरल पब्लिक ओवर एन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. जैसे कि गवर्नमेंट की एक स्पेसिफिक वेबसाइट हम देख सकते हैं कि जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, बट उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो सारा डेटा प्राइवेट सेक्टर में स्टोर होता है. सो दैट इज एन बेस्ट एग्जाम्पल, जो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट है, कि गवर्नमेंट वेबसाइट एक स्पेसिफिक एजेंसी के पास होती है जो क्या करते हैं, सभी डेटा को हैंडल करते हैं एंड जब भी पब्लिक को अवेलेबल हो गया, पब्लिक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं. एंड जो भी उसके अंदर डेटा होगा सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे कि हमारे आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी या जितने भी नंबर्स ऑफ हमारे डॉक्यूमेंट होंगे, कि सभी की सभी इंफॉर्मेशन हमारे पब्लिक गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट होगी, बट वो डेटा सिक्योर प्राइवेट वे में रखा जाएगा. तो दैट इज एन हाइब्रिड क्लाउड हम यहाँ पे यूज करें. देन नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाते, दैट इज एन सर्विस मॉडल. सो सेकेंड दैट इज सर्विस मॉडल. इन अ सर्विस मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इस सेम इसका भी हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली इजी वे में इसको अंडरस्टैंड कर सकते. सो देखते हैं, क्लाउड सर्विस इज सुटेबल फॉर यू, कि हमारे बिजनेस पर्पज के लिए कौन सा मॉडल हमें यूज करना चाहिए या कौन सी सर्विस हम यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर. ठीक, सो थोड़ा सा सोचो कि क्यों हम यूज करेंगे या कौन सी सर्विस यूज करेंगे, कि क्या रीजन उसके पीछे हो सकता है. थोड़ा सा एक मिनट सोच लो, इसलिए पॉज कर दो वीडियो, चाहिए होगा तो सोचो एंड देन प्ले कर दो. सो उसके अकॉर्डिंगली आपका लॉजिक भी बिल्ड होगा एंड जो कंसेप्ट हो कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. देन स्टार्ट करते कि हमारा क्या इसके पीछे रीजन है, कि क्यों हम स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सिलेक्ट करें, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सिलेक्ट करें या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि उसका यूज क्या है उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे. इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इफ योर बिजनेस नीड अ वर्चुअल मशीन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इफ हमारे जो बिजनेस होगा बिजनेस पर्पज के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा, तो उस सिनारियो के लिए हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करेंगे. इफ योर कंपनी रिक्वायर्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट,
So pick a platform as a service, and third option, that is a software as a service. If your business does not want to maintain any IT equipment, okay, कोई भी इक्विपमेंट हमें हैंडल नहीं करना है, जैसे लाइक कि कोई भी रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सर्वर, कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट हमें मेंटेन नहीं करना, तो उस सिनारियो के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन दैट इज एन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की ये ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड प्लेटफॉर्म एंड थर्ड सॉफ्टवेयर. ओके, इस तीन सिनारियो के अकॉर्डिंगली हम इसको यूज कर सकते या हमारे सर्विस के सुटेबल अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते. थोड़ा सा और डीप में देखते हैं इसके अंदर कि क्या क्या हो सकता है. नेक्स्ट दैट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, क्लाउड सर्विस दैट प्रोवाइड अ बेसिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें क्या जो बेसिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज करेंगे. और किस तरह से सर्विस यूज होती है, कब अवेलेबल होती है, तो सर्विस आर अवेलेबल ऑन पे फॉर वॉन्ट यू यूजेस, कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, जस्ट लाइक हम गूगल ड्राइव. ओके, गूगल ड्राइव हर कोई यूज करता है, तो उसके अंदर जस्ट लाइक नॉर्मली हमें 15 GB फ्रीली अवेलेबल होता है, सो उसके लिए हम पे नहीं करते. इफ उसके आगे कि हमें पे करना है और स्पेस रिक्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कर सकते हैं, और जितना हम पे करेंगे उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक जो पे के अकॉर्डिंगली हम इंफ्रास्ट्रक्चर उसका यूज कर सकते हैं. देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एजोल, गूगल कंप्यूट इंजिन. सो ए बेसिकली जो रोल्स, किसका रोल्स होगा, इस कौन इसको यूज करेगा, दैट इज द यूजर इज द आईटी एडमिनिस्ट्रेटर. जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क परफॉर्म करने वाला है वो स्पेसिफिक पर्पज या वो पर्सन यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यहाँ पे लेने वाला है. देन सेकेंड देखते हैं, दैट इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कौन यूज करेगा, द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडेड क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड रन टाइम एनवायरमेंट फॉर अ डिलीवरिंग, टेस्टिंग एंड मैनेजिंग एन एप्लीकेशन. फॉर अ स्पेसिफिक जो हमारे पास एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, रन करने के लिए, या स्पेसिफिक हमारे पास सिस्टम नहीं है, कि जैसे लाइक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये उतना कैपेबल नहीं है कि वो पूरा जो एप्लीकेशन उसको बिल्ड कर सके, रन कर सके, टेस्ट कर सके. तो इस सिनारियो के लिए हम क्या करेंगे, जो गूगल ऐप इंजन होगा जो वाया ब्राउजर, कि सिर्फ हमें उसके लिए क्या लगेगा, हमारा इंटरनेट कनेक्शन एंड ब्राउजर, उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे गूगल ऐप इंजन. ओके, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो गूगल ऐप इंजन ओपन करेंगे एंड उसके ऊपर हमारा जो एप्लीकेशन है उसको बिल्ड कर सकते हैं. ओके, सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्यों यूज करते हैं, इट्स अलाउ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट रिक्वायर द ऑल द रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब कि कोई एप्लीकेशन आपको आपके सिस्टम के ऊपर बिल्ड करना है, फॉर एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एंड्रॉयड स्टूडियो. ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो को इफ आपके सिस्टम के ऊपर बिल्ड करना है, तो मिनिमम आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपको 4 GB रैम लगेगा, आपका जो प्रोसेस है वो अच्छा वर्क होना चाहिए, तभी आप एंड्रॉयड स्टूडियो वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं. बट स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर क्या चाहिए, कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक आपका ब्राउजर प्रॉपर रन होना चाहिए एंड उसके बाद आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंगली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा या एप्लीकेशन डेवलपर होगा, वो क्या करेगा, वाया यूजिंग एन गूगल ऐप इंजन या माइक्रोसॉफ्ट एजोल, अमेजॉन ईबीएस, तो अमेजॉन वेब सर्विस, तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक वहाँ पे प्लेटफॉर्म एक्सेस करेगा एंड एप्लीकेशन वहाँ पे बिल्ड कर सकता है. तो सिंपली वहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे. देन थर्ड यहाँ पे दैट इज एन थर्ड यहाँ पे दैट इज एन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इन अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे कि आपको डायग्राम में जो स्क्रीन जो आपको विजिबल हो रही है उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि जितने भी नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक क्लाउड प्रोवाइड द होस्ट एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन पे एज यू गोइंग प्राइसिंग मॉडल. जैसे लाइक कि जो सर्विस आपको यूज करनी है उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको सर्विस मिलेगी. ओके, सो बहुत ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि जैसे कि गूगल के जो एप्लीकेशन है कि हम उसको यूज करते हैं लेकिन उसके लिए पे नहीं करते, सो
एक ऐसे होता है कि जैसे कि गूगल एक्सेल होगा, पावर पॉइंट, वर्ड, जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल प्लस, कई ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, बट उसके लिए पे का ऑप्शन तो हमें नहीं आता। कि क्यों? बेसिकली उन्होंने एक मॉडल हमें दिया है, जैसे लाइक ट्रायल वर्जन हम यूज करते हैं उस तरह की, जैसे कि गूगल ड्राइव के 15 GB फ्री दिया है, देन गूगल मेल की उसके अंदर भी मल्टीपल्स और भी फीचर्स अवेलेबल है, बट उसको इफ हमें यूज करना होगा, एडवांस फीचर्स है उससे यूज करना होगा, तो उस सिनारियों के लिए हमें उसको पे करना पड़ेगा। कि जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, इफ आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया होगा कभी, तो उसके रिगार्डिंग ये आप याद रख सकते हो, गूगल फॉर्म कि आपको फिल करना होगा या नॉर्मल एक क्विज क्रिएट करना होगा, तो आपको 1 by 1 क्वेश्चन एंड 1 by 1 आंसर ऐड करने पड़ते, तभी आप गूगल फॉर्म क्रिएट करते हो। बट इफ आपके पास गूगल फॉर्म का पेड वर्जन होगा, तो आप डायरेक्टली एक्सेल शीट को वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा डेटा वहाँ पे ऐड हो जाएगा, इन क्वेश्चन आंसर सीरीज आपका रेडी हो जाएगा। या मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी टाइमर, ओके, सारी चीजें हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी जो एक्सटेंशन है उसको वहाँ पे ऐड करते हैं, तभी वो परफॉर्म होता है। बट ये हमारे पास जो पेड वाला गूगल फॉर्म या पेड वाले सारे वर्जन होंगे, तो जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन हम यूज करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नहीं लगेगी, हम डायरेक्टली उसको फुल ऑन वर्जन में यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए पे एज यू गो प्राइसिंग हमें यहाँ पे मॉडल यूज करना पड़ेगा। सो इसको यूजर कौन नहीं, इसका यूज कौन करने वाला है, दैट इज एन एंड यूजर। मोस्ट यहाँ पे एडवांटेज हमें क्या मिलने वाला है सॉफ्टवेयर एज सर्विस के अंदर, कि ऑल सॉफ्टवेयर ऑल हार्डवेयर आर प्रोवाइडेड एंड मैनेज बाय द वेंडर, सो यू या यूजर डज नॉट हैव एनी मेंटेनेंस एनीथिंग, कि कोई भी उसको मेंटेनेंस कॉस्ट या कोई मेंटेनेंस चार्जेस या मेंटेनेंस की कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करने पड़ेगी। तो दैट इज एन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि और जो आइडिया है हमारे तीनों मॉडल के रिगार्डिंग क्लेरिफाई होना चाहिए, तो उस सिनारियो के अंदर देखते हैं कि सिंपल एक एग्जाम्पल देखते हैं और अंडरस्टैंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कंसिडरिंग अ टास्क वेयर यू आर प्लानिंग टू अ बेक अ केक। सिंपल एग्जाम्पल दैट इज कि हमें एक केक बनाना है और एक केक बना के खाना है। ओके, सिंपल एक केक बनाना है उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन प्रीमाइसेस हम देखेंगे कि ऑन प्रीमाइसेस इन द सेंस जो प्रीवियस स्टेट था, जैसे कि हम खुद सर्वर क्रिएट करते थे एंड सर्वर को मेंटेन कर लेते थे, मैनेज करते थे ऑन प्रीमाइसेस, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो सेम यहाँ पे जैसे कि ऑन प्रीमाइसेस इन द सेंस मेड एट होम, कि हमें घर पे केक बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डाइनिंग टेबल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ओवन, केक फ्लोर, शुगर, बटर, एक है जितने भी मल्टीपल चीजें थे खुद ही हैंडल करने पड़ेगी, खुद ही वो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें हमें अरेंज करनी पड़ सकती है। ओके, देन ऑन प्रीमाइसेस इन द सेंस केक बनाने के लिए ये सारी चीजें हम कलेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, फिर से उसको साफ वगैरह करने की सारी चीजें, इन द सेंस मेंटेनेंस प्रोसेस भी हमारे पास होने वाला है। देन यहाँ से ऑन प्रीमाइसेस जो प्रीवियस था, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्लाउड के अंदर, इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, सो यहाँ पे दो कलर दिए गए, जैसे लाइक रेड मैनेज बाय यू, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है, एंड ब्लू दैट इज मैनेज बाय वेंडर या जो प्रोवाइडर होगा हमारा क्लाउड प्रोवाइडर, उसके पास ये चीजें होने वाली। सो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। ये सेकेंड दैट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्या करना है, सिंपल बाय केक, ये ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन जमाने, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल डाइनिंग टेबल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ओवन, केक, ओके, इन द सेंस सिंपल ऑर्डर करना है कि जो भी प्री डिफाइंड मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम ऑर्डर करेंगे कोई भी ऑनलाइन शॉप से या न्यू नियर बाय शॉप होगा आपका, कि आपके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, उसको बाय करोगे एंड उसके अंदर की जैसे कि एग, बटर, शुगर, फ्लोर, ओके, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेड होगी, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, केक पैन लेना पड़ेगा, ओवन में रखना पड़ेगा, उसको हीट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हीट करना पड़ेगा,
देन डाइनिंग टेबल के ऊपर उसको अरेंज करना पड़ेगा, एंड जो वाटर्स वगैरह लगेगा ये सारी चीजें हम करेंगे, ओके, जस्ट लाइक यूजर हो करने वाले। सो इन अ क्लाउड, ओके, क्लाउड के अंदर हम क्या करेंगे कि जस्ट लाइक कि ओवर एन इंटरनेट, इंटरनेट के या जो हमारे पास हमें स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगेगा उसको हैंडल करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, एंड जो वेंडर क्या करेगा, वेंडर डायरेक्टली प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि एक ऑनलाइन वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे ऑन सर्वर, तो ये हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। सो प्रैक्टिकल के अंदर स्पेसिफिक एक सर्वर हम क्रिएट करेंगे ऑन द इंटरनेट या जो भी जो वेंडर्स होंगे वेंडर के सिस्टम के ऊपर, एंड वहाँ पे हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे, बट उसके लिए हमें हमारे सिस्टम का भी कॉन्फिगेशन अच्छा होना चाहिए। तो दैट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देन नेक्स्ट जैसे लाइक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म के अंदर इफ हमें केक खाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाइनिंग टेबल एंड वाटर, सिंपल जो डाइनिंग टेबल्स एंड वाटर, बाकी का जो पूरा केक होगा वो रेडीमेडली आपके घर पे आ जाएगा वाया ऑनलाइन ऑर्डर या जो भी चीज़ होगी उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली आपके घर के ऊपर पूरा केक की मटेरियल वाइज में पूरा केक यहाँ पे आप आ जाएगा। तो वाया डाइनिंग टेबल्स के ऊपर आपको उसको मेंटेन करना है, एंड वाटर जो आपको रिक्वायर्ड होगा केक खाने के बाद, सो दैट इज केक डिलीवर हो जाएगा। एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इन द सेंस पूरी जो सिस्टम्स होगी कि आपको कुछ नहीं मैनेज करना, सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक आपका सिस्टम उसको मैनेज करना है, उसके ऊपर वो है इंटरनेट या उस जो सिस्टम हो गया आपकी उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छा होना चाहिए, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो प्लेटफॉर्म गूगल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगा गूगल ऐप इंजिन, वहाँ पे आप जो भी आपको एप्लीकेशन बिल्ड करना है वो एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, एंड जो आउटपुट आपको चाहिए वो आउटपुट आपको मिलेगा। देन लास्ट यहाँ पे देखते हैं दैट इज एन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सो डाइनिंग आउट, ओके, इन द सेंस इफ आपको केक खाना है तो डायरेक्टली आप होटल या कोई शॉप होगी वहाँ पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से ही सारी चीज़ें आप लोगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो सेम इन सॉफ्टवेयर एज सर्विस, स्पेसिफिक जो भी सर्विस आपको चाहिए मतलब कि गूगल जीमेल, गूगल डॉक्यूमेंट या एक्सेल, के डायरेक्टली आप क्या करोगे वाया ब्राउजर और इंटरनेट डायरेक्टली उस वेबसाइट को विजिट करोगे या जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसको विजिट करोगे। तो वाया सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली आप मेल करना होगा, एक्सेल करना होगा, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज एन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो तीनों भी डिफरेंट एंड ऑन प्रीमाइस के साथ भी हम इसको कंपेयर कर दिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑन प्रीमाइसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। इफ कोई किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इफ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होगी तो इसको लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके रिगार्डिंग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड फॉर एंड फ्यूचर नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।